देखो गाइस फिर से आ गया इंजन हाई टेम्परेचर। तो जी ये रहा KTM का सर्विस सेंटर, नंबर थोड़ा जल्दी लगा देना। तो इसकी हालत बहुत गंदी लग रही है कि जो यार इसके फैन की प्रॉब्लम थी ना वो पता लगा है कि फैन। तो गाइस हो गई है इसकी सर्विस और कितना फटका लगा है। चलो फिर सर्विस सेंटर पहुंचते हैं सीधा, है ना, और अगर रास्ते में कुछ मिलता है तो फिर आपको दिखाता हूँ। भाई साहब खूब भर के चलान काटे जा रहे हैं। A few moments later. So, जी हम आ गए वापसी KTM। पर्ची कट गई थी। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर। तो अब मैं यार जॉब कार्ड यहाँ पर बनवा लेता हूँ। देखिए एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर जो जॉब कार्ड है वो सिस्टम पर बनता है, तो उसको दिखाने की जो परमिशंस है वो नहीं होती। उसमें होता क्या है कि जो आपकी पिछली सर्विसेज होती हैं उसकी पूरी हिस्ट्री चेक होती है, और फिर सर्विस हिस्ट्री चेक होने की वजह से ये पता लग जाता है कि आपकी बार जो सर्विस होगी उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। तो जो भी रिकमेंडेशन आएंगी वो चीज़ें हम करा लेंगे, और साथ ही साथ जो हीटिंग वाली प्रॉब्लम आ रही थी उसका भी आज हम चेकअप करा लेंगे। तो अब मैं जॉब कार्ड बनवा लेता हूँ और आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अच्छा।
सो गाइस फाइनली अपनी बाइक जो है वो हो चुकी है सर्विस। ये रही अपनी बाइक चमचमाती हुई। सो देखिए एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि जो यार इसके फ़ैन की प्रॉब्लम थी ना, वो पता लगा है कि फ़ैन एक्चुअली बहुत स्लो चल रहा है और उसी की वजह से फ्यूज जो है वो उड़ रहा है। तो गाइस देखिए सीन क्या हुआ, देखिए अब फ़ैन तो ख़राब है, ठीक है, उसके बिना चलाना मुश्किल है। तो गाइस मेरी बात हो गई है कि फ़ैन तो देखिए ख़राब है, फ़ैन तो होना है चेंज और वो होगा वारंटी में। अब यहाँ पर चीज़ क्या है कि पुणे में जो है वो यहाँ पर सारा का सारा जो सामान है वो बनता है, इनके जो स्पेयर पार्ट्स है वो बनते हैं, तो लॉकडाउन की वजह से अभी तक सामान काफ़ी सारा पेंडिंग चल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि ऑर्डर मैं लगा देता हूँ, जैसे ही फ़ैन आएगा फ़ैन रिप्लेस हो जाएगा वारंटी में। तो थैंक यू सो मच टू KTM जो इतना ख्याल रखते हैं अपने कस्टमर का, और हमें एक बार फिर से आना पड़ेगा जैसे ही फ़ैन आता है, तो मैं अपडेट रेगुलरली लेता रहूँगा। और मैंने पूछा कि बाइक चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी, उन्होंने यही बताया कि देखिए आप सिर्फ कोशिश ये करना कि आप इसको जाम में मत चलाना। तो वैसे भी होगा क्या कि हाई इंजन टेम्परेचर आएगा तो बंद हो सकती है बाइक अपने आप, पर थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप चलाएं इसे तो कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 40-50 की स्पीड मेंटेन रहे। और अच्छा मुझे लगा शायद पेच नहीं है, सो मैं यही कह रहा था कि 40-50 की स्पीड सही मेंटेन रहे, तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है इसका जो रेडिएटर है जो कूलेंट है वो ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि जो फ़ैन है ना, एक और हमारे यहाँ पर फ्रेंड मिले थे तो उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे ऐसी वीडियोस हैं जिसमें फ़ैन आप रिपेयर कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूँगा, आप भी रिपेयर करा लेना। ऑल्दो मेरा मन तो यही है कि यार वारंटी जब है तो वारंटी में ही रिप्लेस कराया जाए, क्यों टेंशन ली जाए, है ना। तो अभी का फ़िलहाल सीन ये है। तो गाइस हो गई है इसकी सर्विस और कितना फटका लगा है वो मैं आपको घर चल के बताऊँगा। तो चलो यार घर चलते हैं, फिर बात करते हैं इसके सर्विस कॉस्ट की। 6.5 hours later सो गाइस फाइनली आपने देख ही लिया कि यार हम लोगों ने सर्विस करा ली। अब बात यहाँ आती है कि यार खर्चा कितना आया, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं घर आकर आपको चेक कराऊंगा। देखिए खर्चा जो है वो आया है इतना, ये रहा बिल, और यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा KTM गियर का, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है यार। देखो किसी से कुछ छुपा के मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी और बात कर लेते हैं फिर इसकी, इसमें से पढ़ के ही मैं आपको बता दूंगा। वैसे जो वो बिल आया है वो आया है 1150 रुपये का। मतलब सोचने वाली बात है कि यार KTM ड्यूक 390 जैसी बाइक जिसकी 10,000 किलोमीटर पर सर्विस हुई हो उसका बिल 1150 रुपये, और उसकी अगली सर्विस होगी एक साल बाद या फिर 7500 किलोमीटर बाद, है ना हैरानी की बात। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये बिल है, इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ डाल रहा हूँ। देखिए इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, इसमें हुआ है ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, एक तो एक ओरिंग होती है वो चेंज हुई है। ऑयल फिल्टर हमारा आया है 74 रुपीज़ का, ओरिंग जो आई है वो आई है हमारी 4 रुपीज़ की, साथ में चेन लूप हुआ है यहाँ पर 128 रुपीज़ का, इसके साथ ये टोटल हो गया हमारा 206, ठीक है। साथ में यहाँ पर लेबर चार्जेस लगे हैं जो है 944 रुपीज़, ठीक है जी। तो ये टोटल मिलाकर जो हमारा खर्चा आया वो आया 1150 रुपीज़। आपने देखा होगा कि वीडियो में मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मोट्यूल उन्होंने मुझे बोला था कि आप घर से ले आना, तो मोट्यूल जो है वो मैं ले गया था, 2 लीटर मोट्यूल था और साथ में एक इंजन फ्रेश था, ये सब की कॉस्ट आई थी 1580 रुपीज़। तो टोटल मिलाकर ये जो कॉस्ट हो गई वो हो गई ऑलमोस्ट अराउंड 2700 से 2800, जो कि मुझे लगता है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, क्योंकि देखिए बाइक साल में एक बार सर्विस हो रही है और उसका इंटरवल भी 7500 है। तो अगर इतना सर्विस कॉस्ट आ रहा है 7500 किलोमीटर का, वो भी KTM ड्यूक 390 जैसी बाइक का जिसमें पावर बेयन, तो मुझे नहीं लगता कि यार इसको आप हाई मेंटेनेंस कहोगे। देखिए जहाँ तक रही फ़ैन की बात तो वो भी मैं आपको बता दूं कि मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी वो रिप्लेस हो जाएगा, और मैं शेखर जी से यही उम्मीद करता हूँ कि यार बहुत ही जल्दी वो इस पर ध्यान देंगे और हमें काफ़ी जल्दी फ़ैन मिल जाएगा। अब देखते हैं यार, देखिए लॉकडाउन हुआ था तो उस वजह से काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं वो नहीं आ पाए हैं और उसी का ऑर्डर लगा हुआ है, जैसे ही आएगा तो हमारा वारंटी में रिप्लेस होना है, वो रिप्लेस हो जाएगा जैसे कि शेखर जी ने कहा था। एक बार फ़ैन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसके बाद मैं तो यही कहूँगा कि यार देखो सर्विस कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है। और जहाँ तक बात रही
फ़ैन की, तो देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो सबसे पहली बात, फ़ैन जो है वो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कभी भी फेल हो सकते हैं, उसका कुछ नहीं पता। और मैंने जो ओनर्स जिन ओनर्स से मैंने बात करी है, उन्होंने हमेशा यही बोला है कि यार इसकी जो फ़ैन है ना वो 1.5 से 2 साल चलती है, या फिर जब ज़्यादा खड़ी रह जाए बाइक तब ख़राब होते हैं। तो वही हुआ कि कोरोना में बाइक चली नहीं, और कोविड की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह वो उसमें बाइक बिल्कुल नहीं चली, और इसी वजह से हो सकता है कि फ़ैन की जो बीरिंग वगैरह हो वो ख़राब हो गई हो या जो भी हुआ हो। तो इसकी जो लाइफ है वो भी इतनी ही होती है, तो 2 साल में लोग कहते हैं कि यार फ़ैन चेंज हो जाता है इसका। दूसरा रीज़न मैं आपसे ये बोलूँगा कि देखिए बात क्या है कि KTM Duke 390 का कंप्रेशन रेशियो है ज़्यादा, और जैसे ही बाइक 2 मिनट या 3 मिनट भी अगर बाइक ट्रैफिक में खड़ी हो जाती है तो क्या होता है, उसका फ़ैन हो जाता है ऑन। तो यहाँ पर फ़ैन को जो है ना वो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ R15 की, तो R15 का फ़ैन मुझे, मतलब मैंने 2 साल चलाई है, मुझे लगता है शायद मैक्सिमम 15-20 बार ऑन हुआ होगा। और मैंने ड्यूक 390 अभी कुछ ही दिन चलाई है, मुश्किल से 1 महीना चलाई है, मुझे लगता है शायद उससे ज़्यादा इसका फ़ैन ऑन हो गया होगा। तो इसका फ़ैन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोड आता है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आता है, इसी वजह से यही प्रॉब्लम हो सकती है कि उसका फ़ैन जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यार जैसे ही ये रिप्लेस हो जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और इसके ऊपर यार अभी कंटेंट आना रुकेंगे नहीं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या सीन है कि जब ट्रैफिक में फंसेंगे तभी दिक्कत आएगी, तो इसके ऊपर कंटेंट आना नहीं रुकेगा, जो भी पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जो बताना, और जो भी आपके सुझाव हो वो भी कमेंट डाउन कर देना। बिल मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अच्छा एक चीज़ और मैं कहूँगा यार, कुछ लोग मतलब चैनल पर हैं ऐसे जिनको मैं ये कहूँगा कि यार वो हमेशा ना छेड़ते रहते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, मतलब यू नो थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यार देखो मेरा काम सिर्फ यही है कि जो मान लिया अगर 10,000 रुपये भी अगर खर्च होता है ना, तो मैं 10,000 का ही बिल दिखाऊंगा और वो जेन्युइन चीज़ें ही दिखाऊंगा। कुछ लोग ना ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि यार R15 आपने बेच दी तो अब हम आपका चैनल नहीं देखेंगे, मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। तो मैं यही कहूँगा कि गाइस इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, क्योंकि मैं सिर्फ R15 ही आपको दिखा रहा था, उसकी वजह से आप मेरे चैनल पर थे और आप मेरी वजह से नहीं थे, तो ये मेरी ही गलती है। मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए अब मैं आपको KTM Duke 390 दिखा रहा हूँ, पर मैं यहाँ पर आपको Duke 390 के साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आप मुझसे जुड़ पा रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू द बाइक। तो मैं यही चाहता हूँ कि देखिए बाइक आती जाती रहेगी, हो सकता है कल को कुछ और आ जाए, हो सकता है कि कल को यही रहे। देखिए हो सकता है कल को कुछ और अपग्रेड हो जाए, तो क्या आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? तो उसमें अगेन मेरी ही गलती होगी कि मैंने बाइक के ऊपर ही कंटेंट रखा। तो बस इसी नोट के साथ मैं ये कहूँगा कि यार देखो चीज़ों से प्यार नहीं किया जाता, इंसानों से प्यार किया जाता है। तो गाइस इसी नोट पर वीडियो को एंड करते हैं, और मैं यही कहूँगा कि गाइस इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो या आपके अगर कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना। तो गाइस मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज विनय फ्रॉम इन्फो इंस्टा साइनिंग आउट, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ यार एक और चीज़, आप किन चीज़ों पे वीडियो चाहते हो Duke 390 की, वो ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि उनके ऊपर वीडियोज़ आएंगी और मैं आपके उन सवालों के जवाब भी दूंगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज विनय फ्रॉम इन्फो इंस्टा साइनिंग आउट, टेक केयर, बाय बाय।